ये गर्मियों का समय है, जिसका मतलब आर्मपिट हेयर्स को जाना होगा। हाँ, मैं तो अपने पेंट नहीं कर दूंगी। गा! ध्यान से चलो बेटी, तुम्हारी आईब्रो कहाँ है? मैंने इसे गलती से शेव कर दिया। ये बस एक एक्सीडेंट था, ठीक है, बस रेजर नीचे रख दो बेटी। गा! प्लीज। रुक जाओ। क्या क्या तुम ये बदसूरत चीज नहीं देख पा रही? मुझे एक सेकंड सोचने दो। इस फोन का बिल्कुल सही कर्व है, मैं इसे आईब्रो शेप कर सकती हूँ। मैं बस लाइन को फॉलो कर रही हूँ। देखो, अब मुझे इसमें बस भरना है। ये तो पूरी तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ये कभी थी ही नहीं। खुद से देख लो। मुझे देखने दो, तुम बस एक मेकअप जीनियस हो लिली। ओहो, मैं बच गई। रेनोजेंस कैसे स्पेल करते हैं? ठीक है, ध्यान दो। मेरे हाथ थक गए हैं। मेरा नाम क्या है? चलो भी। हाँ, क्या? ये तो टॉर्चर है। बस एक मिनट के लिए आराम करूंगी। किसने लाइट ऑन करी? रुको, क्या दिन हो गया? हाँ, मैं सो गई थी। मेरी रिफ्लेक्शन में वो चुड़ैल कौन है? मैं क्लास ऐसे नहीं जा सकती। रात भर जागना बेकार है। वो बढ़िया स्मेल क्या है? यहाँ कुछ है जो मुझे चाहिए अभी। हाँ, हे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम फिर से पूरी रात जगी रही? ये ए पाने की कीमत है। मैं बस अपनी खुद की बना लूंगी। शहद का एक फ्रेश जार। शायद सारी उम्मीदें अभी तक खत्म नहीं हुई। पहले आपको इंग्रेडिएंट्स को एक बॉल में मिक्स करना होगा। ग्राउंड्स का एक टेबलस्पून लें और थोड़ा सा हनी। हनी को चम्मच से डालें और उसे कॉफी ग्राइंड्स पर डालें और फिर थोड़ा सा पानी। कंटेंट को एक साथ मिलाएं। एक कॉटन पैड लें और उसे आधे में काटें। अब सावधानी से उन्हें बाउल में डालें। उन्हें मिक्सचर को सूखने दें। अब उन सर्कल्स को अपने डार्क सर्कल्स पर लगाएं। कैफिन पफी आइस के लिए बढ़िया है। और अब हम इंतजार करते हैं। सुंदर रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने कहा, लिली, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। लिली, तुम फिर से काउंटर पर सो गई। क्या तुम्हारी आँखें? तुमने जो भी किया वो एकदम सही काम किया। हाँ, कॉफी सबसे बढ़िया चीज है। वाह, आखिरकार मैं घर पर हूँ। और सबसे पहले क्या करना है? ये अनकंफर्टेबल हील्स उतारनी। हाँ, ये अच्छा है। और अगले है ये कॉन्टैक्ट लेंसेस। चलो ट्रे निकाल ली। रुको, मैं ये नाखून अपनी आंखों में नहीं घुसा सकती, लेकिन मुझे इन्हें बाहर निकालना है। हे, मैं इन क्यूटिप्स को तो भूल ही गई। आज का दिन तुम बचाने वाली हो दोस्त। इन्हें इस तरह से फोल्ड करें। अब बिल्कुल ध्यान से पकड़कर इसे अपनी आंख में डालें और एक ही बार में अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल लें। तो चलो अपने कॉन्टैक्ट सॉल्यूशन में। बिल्कुल आसान। और आखिरकार मेरी आंखें अब सांस ले सकती हैं। बहुत बेहतर। ठीक है क्लास, आज के टेस्ट में तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ये क्या है? कोई हिलना मत, मैं अभी आई। क्या वो गई? बढ़िया,
हे, देखो मैं कौन हूँ। कोई फोन नहीं चलाएगा। ये तुम क्या कर रही हो लिली? अरे अगर किसी ने कोई मजाक किया तो तुम बाहर जाओगे। ओ नहीं, इसे बिना पहने मैं अंधी हूँ। ओ नहीं, मिस एप्पलबी की ग्लासेस, क्या ये सच में टूट गए? हे भगवान, ये पूरे टूट गए। शुक्र है वो मैं नहीं था। वो क्या यहाँ डेंटल फ्लॉस पड़ा है? मुझे अक्सर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक सेकंड रुको। हे लिली। हाँ, मैं इसे क्या करूँ? वैसे शायद ये काम आ सकता है। अगर आपके ग्लासेस ऐसे टूट जाए तो फ्लॉस की मदद से इन्हें साथ में वापस जोड़ दें। इसे इस तरह से बांधें और जब आप इसे दो बार बांध दें तो फालतू हिस्सा काटें। क्या अच्छा दिखता है ना? उन्हें टूटा हुआ तो पता भी नहीं चलेगा। गाह, वो वापस आ रही है। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है ना? चलो अब वापस टेस्ट शुरू करें। तो चलें। टूटना मत, टूटना मत। उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। हाँ, तो अब मुझे राहत मिली। मैं इस टेस्ट से बाहर क्यों नहीं निकल सकती? हाँ, ये दिन का सबसे अच्छा हिस्सा है, लंच टाइम। और खुशबू तो और भी ज्यादा बढ़िया है। वाह सोफिया, तुम्हें तो काफी भूख लगी हुई थी है ना? हाँ, मेरा पेट भर गया। खैर, मुझे जल्दी से साफ करना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। यस। अरे यार, तुमने तो कुछ ज्यादा ही बर्तन छोड़ दिए सोफिया। बहुत देर तक बर्तन घिसने पड़ेंगे, सोच कर ही थकावट होती है। मैं ये सब नहीं करना चाहती। काश मैंने धोने से छुटकारा पा पाती। हे, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या आपके पास इस तरह का रबर ग्लव है? एक हॉट ग्लू गन ले, उंगलियों पर इस तरह ग्लू लगाएं और कोर्स स्पॉन्ज की कटी हुई स्ट्रिप्स को इसके ऊपर लगा दें। आप ये पांचों उंगलियों के साथ कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि स्पॉन्ज का साइज उंगली जितना हो। जब उंगलियों पर हो जाए तो थोड़ी ग्लू हथेली पर भी डालें। इसे एक जी के शेप में डालना बेहतर रहेगा। अब एक गोल स्पॉन्ज इसके ऊपर लगा दें। जब ये सूख जाए तो ये तैयार है। ऐसे ग्लव के साथ बर्तन साफ करना बहुत आसान हो जाएगा। तैयार हो? बस थोड़ा सा साबुन इसके ऊपर डालें और ये स्क्रबिंग के लिए तैयार है। इससे आपको स्पॉन्ज पकड़ना भी नहीं पड़ रहा। अब बर्तन धोना और आसान हो गया और कुछ ही समय में ये काम पूरा हुआ। ये इतना बुरा भी नहीं था। आलस भरी दोपहर की सबसे अच्छी चीज है आलसी होना और थोड़ी बेवकूफी भी। बिल्कुल। वो ध्यान से खाओ सोफिया, तुम्हारे पास प्लेट्स नहीं है। और एंटर। वो हाँ, ये क्या है? अरे नहीं, सारा चूरा मेरे कीबोर्ड पर आ गया। बेला, थोड़ी मदद करोगी? तुम कितनी बेवकूफ हो। बिल्कुल नहीं, तुम मतलबी हो। ठीक है, तुम्हें पता है, मुझे जरा ये स्लाइम देना। ऐसा चूरा साफ करने के लिए इसके ऊपर कुछ स्टिकी रखें। जब ये पूरा फैल जाएगा तो ये अपने साथ चूरे को भी चिपका लेगा और जब ये पूरा हो जाए तो इसे ऊपर उठा ले चूरे के साथ। और अगर कुछ रह भी जाए तो इसे साथ साथ ही उठा लें। ओह, एक जगह रह गई। हाँ, उठा लिया। वाह, इसे देखना थोड़ा सैटिस्फाइंग है ना? तुम ये क्या कर रही हो? ये लो तुम्हारी स्लाइम बेला। वो इस पर तो चूरा लगा है। एओ, तुमने मेरी स्लाइम खराब कर दी सोफिया। वो गा। बाल बाल बचा। वो मेरा फोन। ओ, क्या ये चीज मक्खन से बनी है? वो चिप्स को बचाओ केविन।
इससे तो चोट आएगी। और ये सारी गलती इस मैट की है। जब तक क्या आपके पास भी ऐसा डोरमैट है जो आपको मारना चाहता है, कुछ हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें, इस तरह का एक डिजाइन बनाएं, ये फर्श के साथ फ्रैक्शन बना देता है। बस ध्यान रहे कि ग्लोब्स अच्छे से गाढ़ी हो। बस हो गया, अब इसे सूखने दें। अब मेरे साथ अच्छे से पहचानो मिस्टर डोरमैट, तुम सुरक्षित हो। रुक जाओ, ये दिख रहा है। मैं इस पर गिरना कभी मिस नहीं करूंगा। मुझे पहले जाने दो प्लीज कैप। अगर मैं कहूँ नहीं, चलो भी मुझे जाना है। चलो हटो। ओह, वो बेवकूफ सीट को नीचे करना भूल गया। केविन, केविन, इधर आओ। तुम्हें सीट को नीचे करना याद होना चाहिए। एक बंदर भी इसे कर सकता है। देखो, ये बहुत ड्रामेबाज है। मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक मिनट रुको, ये यो-यो मेरा काम कर सकता है। अगर आप टॉयलेट के अंदर देखें, आप एक स्प्रिंग को इस पार्ट में लगा सकती हैं। अब इसे सीट के नीचे लेकर जाएं और चिपका दें ताकि अपनी जगह पर रहे। सीट को ऊपर ले जाएं टेप लगाते हुए। तो जब आप फ्लश करेंगे तो सीट नीचे आ जाएगी। मशरूम मैजिक बेबी। हे, मैं फ्रेंच फ्राइज लाई। ये मेरी फेवरेट। ओह, पहले तुम ले लो। केचप के बिना फ्राइज कौन खा सकता है? हाँ, बहुत सारे केचप। वाह, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत सारे डाल दी? ओह नहीं, अभी नहीं। मुझे अपनी फ्राइज पर केचप अच्छी नहीं लगती। मैं डिप करके खाती हूँ, जिसका मतलब है मुझे केचप डालने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, अब कोने क्रिम्प हो गए। अब मेरे पास केचप के लिए जगह है। देखा, मैंने अपने लिए कॉन्डिमेंट ट्रे बना ली। खैर, जो भी है। हाँ, मेरे हाथ पर क्या है? ये केचप कहाँ से आई? ओह, ये तो नीचे से निकल रही है। ये तो सारा ही खराब हो गया। हे मेरे भगवान, तुम्हारे पूरे चेहरे पर फ्राइज है। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम बहुत केचप डाल रही हो। हाँ हाँ, बहुत मजाक किया है ना। शुक्र है मेरे पास बर्गर है। ओह, आज बहुत बुरा दिन है। साफ सफाई, सफाई हो रही है। मुझे साफ कमरे बहुत पसंद है। आओ, ये कंबल फोल्ड कर देती हूँ। ओह, इसे खुद करना तो मुश्किल है। अगर मैं इसे ऐसे ट्राई करूँ? ठीक है, इस बार मैं ये कर दिखाऊंगी। ये इतना मुश्किल क्यों है? तुम्हें बताएं, अब मैं ब्रेक लूंगी। ओह, अब मैं समझी। ओह, काउच मॉन्स्टर, ये मैं ही हूँ। मैं इस ब्लैंकेट के पीछे थी जो मुझसे फोल्ड नहीं हो रहा। सच में? चलो भी, मैं मदद करती हूँ। तुम्हें बस इसे फर्श पर रखना है। इस कोने पर दो फोल्ड करो और अब इस तरफ से फोल्ड करो। इस कोने को भी खींचकर इस तरह फोल्ड कर दो। अब इसे आधे में फोल्ड करो और तुम्हारा काम हो गया। इसे लास्ट से थोड़ा टक भी कर सकते हो। टाडा, अच्छे से फोल्ड किया हुआ ब्लैंकेट। वाह, सिखाने के लिए शुक्रिया। अब सब साफ है। हाई फाइव। इसकी खुशबू लाजवाब है।
बहुत गर्म है। मेरी जीभ। ये मैं ले लूं? वो मेरा है। बेवकूफ लड़का। आह, ये तो ठंडा ही नहीं हो रहा। क्या हमारा एसी खराब है? ये काम करेगा। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। पर सबसे पहले एक टेप लो और कुछ ही स्क्रिप्ट के साथ मैं एक खास कूलिंग कंट्रैप्शन बना सकती हूँ। थोड़े नॉट्स इधर और बन गया। चलाना चाहोगे? और हर बाइट में ये फैन नूडल्स को ठंडा कर देगा। मैं ट्राई करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो मैं ये पानी पी लेता हूँ। ये तो खाली है। तुम क्या देख रहे हो ब्रायन? गेम चल रही है। ठीक है, पर मुझे तो कुछ खाना है। यहाँ कुछ अच्छा है क्या? बिंगो, मैं सीरियल कभी भी खा सकती हूँ। अब मुझे बस चाहिए बोल चाहिए। ये क्या है? इतना गंदा है। हे, एक बोल। रुको, अब नहीं ले सकते। क्यों ना इसी में से खा लूं? बॉक्स को इस तरह रखें। अब ऊपर से स्क्वायर काट दें। बढ़िया। जब आप इसे हटा दें तो आपको बोल मिल गया। प्लास्टिक इसे अच्छे से संभालेगा। अच्छा लग रहा है। चम्मच ना भूलें। हे, क्या तुमने खुद बनाया? और सबसे मजेदार हिस्सा पता क्या है? बर्तन गंदे नहीं होंगे। हाँ, ये समय है केविन के घर पर मूवी नाइट था। येक्स, लगता है जस्टिन पहले से ही अपनी कैंडी का बाउल खा गया। रिफिल करने का समय। मूवी देखते समय लोगों के ऊपर से जाना बहुत अजीब है। और जब आपको पता चले उतनी देर में आपको वापस आना होता है उस अजीब स्थिति पर। हे, ये नए जूते हैं जस्टिन। ठीक है, रोबोट शहर पर कब्जा करते हुए वापस। लगता है दोबारा खत्म हो गए। ये बार बार क्यों हो रहा है? मुझे इतनी जल्दी जल्दी खाना बंद करना होगा। लगता है जस्टिन अकेला नहीं जिसे रिफिल करना है। रुक जाओ दोस्त, सोफिया को जाने दो, वो कोने पर है। ओहो, मैं इसमें क्यों फंस रही हूँ? वैसे इससे मुझे कोई ख्याल आता है। रुक जाओ, मैं बस आ रही हूँ। इस तरह की एक खाली बोतल लें। जब आप इसे तीन हिस्सों में बांट दें इस तरह, आप इसे कुछ नए में बदल सकते हैं। कैंची की मदद से नीचे से दो लंबे पीसेस काटें और बीच में रुक जाएं। जब ये हो जाए इसे एक दूसरे में लगा दें और अब एक लंबा और गोल ग्लास का वास लेकर आएं। इसे सीधा रखें और इसमें वो पेपर के पीसेस डालें जो आपने अभी बनाए। अब अपनी पसंदीदा कैंडी डालें। इसे अलग अलग सेक्शंस में जाने दें। हर सेक्शन को अपनी पसंदीदा अलग अलग कैंडी से भरें। और याद है जो ढक्कन आपने काटा था और इसे बंद करने के लिए उसे ऊपर से लगा दें। ठीक है लड़कों, कैंडी मैन वापस आ गई। ये अच्छा है ना? इसे बार बार रिफिल करने के लिए उठने से बेहतर बस इसमें से थोड़ा निकालें, अपनी जगह भी ना छोड़ें। बस ध्यान रहे कि ढक्कन टाइट हो और अपनी मनपसंद चीजें डालें। तो चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जस्टिन। कुछ दो दिन तक टाल मटोल करते हुए आपने आखिरकार प्लेट ही धोई। अच्छा काम किया सर। लेकिन अगर आपकी प्लेट साफ है इसका मतलब ये नहीं कि काम पूरा हो गया। देखा मैंने क्या कहा? ओहो, अब मैं इस गंद को साफ कैसे करूं? शायद मैं इसे पानी से हटा सकूं? लगता है ये स्प्लैशिंग मेथड काम करने वाला नहीं है जस्टिन। आपको शायद थोड़ी एल्बो ग्रीस की मदद चाहिए होगी। नहीं, मुझे अपना चेहरा साफ नहीं करना, बस सिंक करना है। किसे पता था कि मुझे ये करने के लिए गॉगल्स चाहिए होंगे। इस गंद को सिंक से साफ करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है? हे मेरे भगवान, मुझे कॉल करके विश करने के लिए बहुत शुक्रिया। माफ करना बर्थडी गर्ल, लेकिन मैं बस तुम्हारा एक गुब्बारा उधार लेना चाहूँगा। कोई बात नहीं, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं। हाँ हाँ, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, उसने देखा भी नहीं।
चलो ये क्लीनिंग पार्टी शुरू करते हैं। कर सकते हैं इस सफाई के हक के लिए एक गुब्बारे को सिंक के फॉसेट पर लगाएं इस तरह। अब गुब्बारे की टिप पर एक कट लगाएं और जब आप पानी चला दें तो आपको ये उतारने वाला फॉसेट हेड मिल जाएगा। देखा, अब आप पानी की दशा को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरकार आप ये गंदे दाग और धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं। सैटरडे को ही खेलने का समय मिलता है। अब इसे देखो, हे, ये रुक क्यों गए? चलो भी, लगता है खेलने का समय गया। शायद इसे बस थोड़े जूस की जरूरत है। मुझे बस इसे खोलना है। ये बिल्कुल बंद है। लिली, क्या तुम्हारे पास स्क्रूड्राइवर है? ठीक है, वो हमेशा मेरे टूल्स मांगता है। ये ही होगा, ये चाहिए। बस अब बैटरीज आ जाएंगी। इस स्क्रू के लिए बहुत छोटा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मुझे अलग साइज लेना चाहिए था। माफ करना दोस्त। लिली के पास यहाँ और कौन से टूल्स हैं? यहाँ बहुत सारे हैं कि मैं चुन ही नहीं पा रहा। मुझे अपनी गाड़ी के साथ खेलना है। ये चीज काम क्यों नहीं करती? अगर ये थोड़ी सी भी बड़ी होती तो काम करती। हे लिली, क्या मैं ये हरा इलास्टिक देख सकता हूँ? लेकिन मैंने बस अभी ये गुद बनाई है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो करते हैं। इस हैक के लिए स्क्रू के ऊपर रबर बैंड लगाएं। ये जगह को भर देगा ताकि स्क्रू ड्राइवर लग सके। ये काम कर रहा है, देखो। अब बैंड को हिलाएं और अपनी उंगलियों से निकाल लें। खुल जाओ सिमसिम। चलो मिलते हैं दोस्तों। अब मैं वापस काम पर लग सकता हूँ। ये रहा तुम्हारा इलास्टिक बैग। तुम्हारे सहारे ने आज का दिन बचा लिया लिली। अब मैं इसे दोबारा चला सकता हूँ।